प्रैक्टिस सेशन में। इसके पहले बेटा हमने प्रैक्टिस सेशन नंबर एक करा दिया था, ये आज का प्रैक्टिस सेशन नंबर दो है, प्रैक्टिस सेट दो। इसमें आज हम कराएंगे टॉप 50 जीएस के क्वेश्चन। अगर आप अच्छे से देखें तो इसमें 50 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में कम से कम 3-4 क्वेश्चन हम बता रहे हैं। तो वैसे तो ये 50 क्वेश्चन का सेट है, लेकिन आपको इसमें से कम 200 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे, और क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा बताएंगे जो काफ़ी बेनिफिशियल है पैट एग्ज़ाम जो कि 15 और 16 सितंबर को होने वाला है, 15 और 16 अक्टूबर को होने वाला है। आज से ऑलमोस्ट 45-46 डेज बचे हैं, इसलिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्सिमम एंड परफेक्ट, इसलिए प्रैक्टिस करना ना भूलें। और इसका इस वीडियो का टारगेट रहेगा एटलीस्ट आपको 50 में से 48 क्वेश्चन सही करने हैं, तभी आपकी तैयारी अच्छे लेवल पे मानी जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा, द्वितीय बौद्ध संहिता का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। आपको बताना है जो सेकेंड बुद्धा काउंसिल हुआ था वो उस टाइम उसका राजा कौन था, किस राजा के शासनकाल में ये हुआ था। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए उदयभद्र, ऑप्शन बी महापदनंद, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी कालाशोक। इसमें से करेक्ट आंसर आपको चूज करना, और ध्यान रहे आप कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में वीडियो के एंड में ज़रूर बताएं। जो बंदे सीरियसली इसको करना चाहते हैं, जिन्होंने फॉर्म डाला और सीरियसली पेड के थ्रू जॉब लेना चाहते हैं, इसको एंड तक वीडियो ज़रूर देखें, टाइम पास के लिए नहीं कोई। ओके, इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कालाशोक। तो कालाशोक था, ये किस वंश का था, ये नाग वंश का था कालाशोक। इसने सन 383 ईस्वी में वैशाली में, जो वैशाली है इसकी राजधानी हुआ करती थी उस टाइम, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कराया था। ओके गाइस, चलिए द्वितीय हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ चारों हम लोग देख लेते हैं। तो पहला किसके शासनकाल में हुआ था पहला हुआ था राजगृह में। उस टाइम कौन था राजा वहाँ का, राजगृह का अजातशत्रु, और किसकी अध्यक्षता में, महाकश्यप। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, किसके शासनकाल में हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन था उस सेशन का, उस बुद्धा काउंसिल का। तो पहला हुआ था राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में, उसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। सेकेंड वाला आपका हो गया कालाशोक, ये हुआ था आयोजित कहाँ किया गया था, वैशाली में, इसकी अध्यक्षता की थी इम्पोर्टेंट है सबक मीर नाम से कोई बुद्धा अनुयायी था, सबक मीर बोलते हैं इसको, इसने किया था। थर्ड वाला काउंसिल कहाँ हुआ था, थर्ड वाला हुआ था आपका पाटलिपुत्र में, अशोक के शासनकाल में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी मोगली पुत्र तिस्त नाम के बौद्ध अनुयायी ने। ओके, और फोर्थ वाला और लास्ट वाला कहाँ पे हुआ था, इसको कराया गया था कुंडलवन जो कि कश्मीर में है। कराया किसने था कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी वशुमित्र नाम के व्यक्ति ने। ओके, तो इसमें से 4-5 क्वेश्चन बन जा रहे हैं जो कि आपको ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था, पूछ रहे कहाँ पे करवाया था, अकबर जो था उसने इबादत खाना का निर्माण कराया था। इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, चलिए इसके पहले आपके ऑप्शंस क्या हैं, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में या फिर सिकंदरा में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ फतेहपुर सीकरी में, इसने राजधानी भी चेंज की थी अकबर ने। एनीवेज, इबादत खाना से समझिए, इबादत खाना से आपको लग रहा हो कोई मस्जिद या मंदिर हो, मंदिर तो होगा नहीं क्योंकि अकबर, चलिए आप सोच रहे हो कि मस्जिद है, लेकिन मस्जिद नहीं है। इबादत खाना एक क्या बोलते हैं इसको, रिलीजियस डिस्कशन रूम था, इसमें बस रिलीजियस टॉपिक्स पर डिस्कशन, धर्मशास्त्र टाइप के होता है ना डिस्कशन हो। इसका मुख्य उद्देश्य बताया जाता है कि इस्लाम धर्म के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने की अकबर की लालसा थी। ओके, चलिए सेकेंड हो गया क्वेश्चन नंबर, थर्ड हो जाएगा आपका, थर्ड क्या पूछ रहे हैं, आर्य समाज की स्थापना हुई थी कब, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए 1865 में, ऑप्शन बी 1870 में, ऑप्शन सी 1875 में, या फिर ऑप्शन डी 1880 में। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में लिखते जाइएगा और काउंट करते जाइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1875 में,
1875 में आर्य समाज हो गया। अब उस अलग सी चीज़ जिसे प्रार्थना समाज पूछे, प्रार्थना समाज स्थापना हुई थी 1867। अध्यक्षता किसने इसकी स्थापना की थी? आत्माराम पांडुरंग नाम के एक व्यक्ति ने। वैसे आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती। इनका नारा क्या था? वेदों की तरफ लौट आओ। ये सारी चीज़ें देखिए इसमें आ जा रही हैं, 3-4 क्वेश्चन साथ में आ रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, याद रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी ये पूछेगा। हो सकता है पूछे कि आर्य समाज की स्थापना की किसने थी, जैसे दयानंद सरस्वती ने। वैसे आर्य समाज ना पूछ के प्रार्थना समाज पूछ सकता है, या ब्रह्मो समाज था राजा राम मोहन राय, उन्होंने इसकी स्थापना की थी कब? 1828 में, 1829 के आसपास की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? ये पूछ रहा है काकोरी कांड। एक चीज़ और बता दूँ, उस टाइम गवर्नमेंट ने काकोरी कांड का नाम भी चेंज कर दिया है, इसको काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है, काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से अब जाना जा रहा है, जो काफ़ी अच्छा स्टेप है एज ए इंडियन। तो इसमें से पूछ रहा है कौन इसमें से संबंधित नहीं था, तो आपके ऑप्शन से रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खान, सूर्य सेन। तो इसमें से पूछ रहा कौन सा नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो ये जो सूर्य सेन ये नहीं थे ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये चौथा का हो गया ऑप्शन नंबर डी, सूर्य सेन। क्वेश्चन नंबर 5 है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? हाँ दोस्तों, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की, ये आई होप आप सभी को पता हो, नहीं हो तो देखिए इसका ऑप्शन क्या है, मोहम्मद गजनबी, हुमायूं, अकबर, अतिशय, सॉरी सबको बताया ऑलमोस्ट कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी, अकबर ने की थी, दीन ए इलाही। और एकमात्र हिंदू बीरबल वही था जिसने दीन ए इलाही धर्म को एक्सेप्ट किया था, एकमात्र, बस बीरबल नहीं, दीन ए इलाही धर्म को एक्सेप्ट किया था। इसकी स्थापना हुई थी सन 1582 में, 1582 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, और इबादत खाना हो जाएगा, इबादत खाना की स्थापना की थी अकबर ने 1575 में, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? आप सभी को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो देख लीजिए। इसका जो भारत छोड़ो आंदोलन था, सन 7 या 8 अगस्त 1942 को ही शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, इसी दिन गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इसके तहत अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने ऑपरेशन जीरो आवर, ये काफ़ी पूछता है, ये भी पूछता है ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? तो ये था ऑपरेशन जीरो आवर, जिसके थ्रू जितने भी ब्रिटिशर्स थे, जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, सबको जेल के अंदर बंद कर दिया था, सबको पकड़ के बंद कर दिया था, जिससे कि आंदोलन बढ़ेगा, ये था ऑपरेशन जीरो आवर। वैसे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 है, आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी? आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी? आपके ऑप्शंस इतने सारे हैं चारों, इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सुभाष चंद्र बोस। ये थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए ये क्वेश्चन मैंने कल के प्रैक्टिस सेशन में भी कराया था, ये आया था, इनडायरेक्टली आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन ही था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने कल का सेशन देखा होगा, कल प्रैक्टिस सेट नंबर 1, उनको अच्छे से पता होगा, चक्रवर्ती राजा गोपालचारी, ये थे पहले और एंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था, आखिर क्या था एक्चुअल, लॉर्ड कर्जन चाहता क्या था, मेन इशू क्या था? अंग्रेजों का मेन प्रोपेगेंडा यही था कि फूट डालो और राज करो, ये चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम में हमेशा लड़ाई होती है, तो यही था लॉर्ड बंगाल, चूँकि बंगाल में मुस्लिमों की जनसंख्या ज़्यादा थी और हिंदू भी ज़्यादा रहते थे, तो ये चाहते थे बंगाल को डिवाइड करके हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा लगाया जाए और नरसंहार किया जाए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें पूछना कौन सा इसका मकसद नहीं था, ऑप्शन ए है बंगाली राष्ट्रीयता की
मूल पर हमला करना ये तो था ही। ऑप्शन बी बांटो और शासन करो की नीति, ये तो इनको ऑलरेडी थी। ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन, ये ऐसा कुछ नहीं था, शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे, ये कुल मिला के झगड़ा लगा के राज करना चाहते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन करना इनका मकसद नहीं था लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे। हालांकि 6 साल बाद 1911 में ये विभाजन रद्द भी कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, देश बंधु किसे कहा जाता है? देश बंधु हमारे हैं, ऑप्शंस क्या है, लाला लाजपत राय, बीपी चंद्र पॉल, चितरंजन दास और भगत सिंह। तो लाला लाजपत राय को लाला जी बोलते हैं, जैसे नाम में लिखा ही है, बीपी चंद्र पॉल पॉल, ये चीज़ आपको गरम दल के नेता होते हैं ना, बाल पाल और क्या थे, बाल पाल और लाल, तीनों ये लाल इनको बोलते थे, लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक थे, और ये पाल बीपी चंद पॉल या पाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देश बंधु, ये देश बंधु बोल रहा है, देश बंधु चितरंजन दास जी को बोला जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तापक्रम विलोमता, तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शंस, बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम, या फिर बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता उसका तापक्रम, इंक्रीजिंग टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए गांधी सागर, ऑप्शन बी गोविंद वल्लभ पंत सागर, ऑप्शन सी जवाहर सागर, या फिर ऑप्शन डी गोविंद सागर। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये जो डैम बना है रिहंद नदी पे बना है सोनभद्र जिले में, रिहंद एक नदी है जो कि सोन नदी की, रिहंद सोन नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, मतलब उसी की एक सहायक नदी है। और सोन नदी किसकी है? सोन नदी गंगा की। एक क्वेश्चन आता है सोन नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, डायरेक्टली गंगा में जाके मिलती है, ना कि यमुना में, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा सोन नदी। ये तो था अगली बार, फिलहाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद बांध परियोजना से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 है, सिपकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है, सिपकिला ये पासिस की बात हो रही है, जो दर्रे होते हैं इनको ला बोलते हैं, ला का मतलब ही होता है दर्रा, और दर्रा मतलब पहाड़ को काट के बनाया गया एक रास्ता होता है, इसको दर्रा बोलते हैं। इसमें से पूछ रहा है सिपकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है कहाँ का, ये उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश, तो ये हिमाचल प्रदेश का दर्रा है सिपकिला, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। वैसे उत्तराखंड का दर्रा फेमस है, माना नीति लिपुले, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुले, तीन दर्रे फेमस हैं यहाँ के। सिक्किम का है जलैपला दर्रा फेमस है, और जम्मू कश्मीर का बहुत सारे दर्रे हैं, जम्मू कश्मीर में जोजिला वगैरह हो गया, बहुत सारे हैं, आप सब ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सिपकिला काफ़ी फेमस है, और माना नीति लिपुलेख ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कुल मिला के। वैसे इंपॉर्टेंट तो सब है, इसमें जीएस है कुछ भी पूछ सकता है, तो हर तरह से रेडी होना चाहिए इस चीज़ के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके ऑप्शन से पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश या फिर नेपाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर भारत का मैप आपने देखा होगा तो बांग्लादेश का मैप भी ऑलमोस्ट ऐसे नीचे, ये वाला भारत का इधर पोर्शन है ऐसे, तो यहाँ पे जाता है, तो ये बांग्लादेश है, इसका पोर्शन ऑलमोस्ट 4093 मतलब 4093 किलोमीटर डायरेक्टली इंडिया से सटा हुआ है। और सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है इंडिया? वो है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटा, मात्र 106 किलोमीटर का की सीमा रेखा। हालांकि ये सीमा रेखा और पीओके में इस टाइम पे तो इंडिया और एनीवे जाने दीजिए, पीओके का मैटर, पीओके और अफगानिस्तान के बीच में। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आपका, 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15 क्वेश्चन क्या है, ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र हवाएं, आर्द्र हवाएं चलती हैं, इन्हें पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, काफ़ी कंफ्यूजिंग भी। आपके ऑप्शन है लू, नॉर्वेस्टर, मावट या फिर सोलेनो,
आपको करेक्ट आंसर चूज करना है इसमें से, असम और पश्चिम बंगाल। अगर पश्चिम बंगाल की बात करो तो इसमें जो आर्द्र हवाएं चलती हैं इनको बोलते हैं काल बैसाखी, पश्चिम बंगाल में स्पेशली। लेकिन ये पूछ रहा है कृष्ण पूर्वी, देखिए पूर्वी भारत में, इनको पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी नॉर्वेस्टर ये करेक्ट है। यही हवाएं जो तीव्र हवाएं चलती हैं जो कर्नाटका में चलती हैं, इनको आम, ये आम की खेती के लिए, आम तथा कॉफ़ी की खेती के लिए काफ़ी लाभप्रद हो। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 16 का क्या है, विभिन्न कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। ऐसी कौन सी संस्था है जो जितने भी MSPs होते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनके लिए उनका डिक्लेरेशन करते हैं, मतलब कितना उनका MSP होगा कौन डिसाइड करता है। आपके क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, सार्वजनिक खातों की संसद समिति, संसद के अनुमान समिति, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति है, इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, यही MSP का निर्धारण करती है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17, सीज SEZ से तात्पर्य है, आपको बताना है इसका फुल फॉर्म। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, इसका करेक्ट आंसर ये सही होगा। सीज की स्थापना सन 2004 में इसको पारित किया गया था और 2005 में से ये सीज एक्ट आया, अगर पूछे तो 2005 में सीज। चलिए 17 का आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लोक हित में सुझाए गए विशेष ऑडिट का व्यय वहन किया जाएगा। एक इकॉनमी से क्वेश्चन है, आपको बताना है जो भारतीय RBI द्वारा लोक हित में पब्लिक इंटरेस्ट में जितने भी सजेशंस विशेष ऑडिट का व्यय किया जाता है कौन वहन करता है। आपके ऑप्शन हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारत सरकार द्वारा, बैंकिंग कंपनी के द्वारा स्वयं, या फिर भारत की केंद्रीय बैंक द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग कंपनी के द्वारा स्वयं ये वहन किया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद आर्थिक घटकों का उदाहरण नहीं है, बृहद आर्थिक घटकों का उदाहरण नहीं है या। तो आपके ऑप्शन हैं बजट बनाना, ऑप्शन बी मौद्रिक नीति का नियमन करना, ऑप्शन सी भुगतान संतुलन में परिवर्तन की नीति, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि भुगतान आर्थिक घटकों का तात्पर्य क्या होता है, किसी देश के धन के अच्छे कामकाज की गारंटी ये प्रोवाइड करना होता है इनका, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सन 1969 के बाद से राष्ट्रीयकृत हुए बैंकों की संख्या कितनी है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए सन 1969 में टोटल 14 बैंक राष्ट्रीयकृत या नेशनलाइज किए गए थे, फिर 1980 में आके और नेक्स्ट 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, टोटल हो गए थे 20। तो इसमें से पूछ रहा है 1969 में, तो 1969 में ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 14 बैंक राष्ट्रीयकृत हुए थे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये क्वेश्चन बार बार आता है, इस चीज़ को तो रट्टा मार लेना है, इस क्वेश्चन को रट्टा मार ही लेना है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ था, 1952 में, ये चीज़ आपको दिमाग में कहीं ना कहीं रट लेनी है, ये बार बार पूछता है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो पता है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो यार, मैथ्स तो है नहीं कि आप थोड़ा सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन करोगे तो हो सकता है आ जाए, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा रोल निभाता है, क्योंकि टाइम सेव करने का सबसे अच्छा तरीका है GS पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि एक एक सेकंड में, 2 सेकंड में आप, 3 सेकंड, 5 सेकंड में आप डायरेक्ट टिक मार दोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन चूँकि यही मैथ्स में होगा, मैथ्स में कैलकुलेशन चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो फंस जाते हैं, उसको टाइम लगता है, तो वो टाइम वहाँ पर देने के लिए ये टाइम बचाना है, इसलिए हम करा रहे हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, ये वाला आपने पढ़ा नहीं है तो बता दूँ, ये जो था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो केस आया था 1973 में जो केस आया था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसमें बात की गई थी
बेसिक स्ट्रक्चर की, संविधान के बुनियादी ढांचे की बात है। इसका तात्पर्य क्या होता है, जैसे बुनियादी ढांचा, जैसे रूल ऑफ लॉ, कल को अगर संसद बोले कि नहीं मैं आज से हम लोग जुडिशरी को ख़त्म करते हैं या फिर कानून को ही ख़त्म कर देते हैं, या फिर बोलें कि कल जाके, और क्योंकि जितनी भी अमेंडमेंट की पावर किसके पास होती है, संसद के पास, मेंबर जितने भी होते हैं सब मिला के, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, संसद के अंतर्गत तीन टर्म आता है, लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, ये सारे मिलके किसी भी नियम को नियमित करते हैं। अगर कल को बोलें कि नहीं आज से हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ख़त्म करते हैं, तो ये तो सही नहीं है ना। इसलिए इनको बोलते हैं बुनियादी ढांचे, जो कुछ चीज़ें होती हैं, रूल ऑफ लॉ या सुप्रीम कोर्ट का एग्जिस्टेंस, ये सब चीज़ें इनको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इसमें डिसाइड किया, ये अब तक का सबसे बड़ा बेंच था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का नाम सुना होगा ना, संविधान बेंच। इसमें टोटल जो ये केस था, केशवानंद भारती, ये भी पूछा जाता है, ये अब तक का सबसे बड़ा संवैधानिक बेंच था। इसमें टोटल 13 जज उसने हिस्सा लिया था, 13 जज थे इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित करने की शक्ति रखता है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप अगर क्वालिटी अच्छे से कवर करते हैं तो इसका आंसर आपको पता होगा। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 200, इसमें ये प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इट मीन्स पूछ रहा, भारत की उपराष्ट्रपति का जब इलेक्शन होता है उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो आपको बता दूँ उपराष्ट्रपति को कौन वोट देता है, जो संसद के, जो संसद, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं वही लोग उपराष्ट्रपति को वोट दे सकते हैं। जबकि राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति में विधायिका के भी सदस्य, जो जितने भी राज्यों में विधानसभा है उनमें जो MLAs हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा, ये सब, ये फंडा है पूरा। तो फिलहाल इसका 24 का आंसर क्या हो जाएगा, संसद के दोनों सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदस्य, सभी सदस्यों के द्वारा, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा देश दक्षिण सार्क का सदस्य नहीं है। दक्षिण सार्क की बात हो रही है, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क की बात हो रही है। सार्क में मैं आपको बता दूं टोटल 8 देश हैं, 8 इंडिया को इंक्लूड करके टोटल 8 हमारे भारत के पड़ोसी जितने भी देश हैं, जो 7 प्लस इंडिया एक, 8 जिसमें इसके मेंबर है। जबकि ऑप्शन देखा जाए तो इसमें दिया है ऑप्शन में डी, जापान, जापान इसका सदस्य नहीं है। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका, ये 8 देश इसमें सम्मिलित हैं। ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, नाई का दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण है, जो नाई यूज़ करते हैं, जो शीशा यूज़ करते हैं जब भी हम सैलून में जाते हैं बाल कटवाने, वो किस टाइप का होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण या फिर समतल दर्पण, ये बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण, नॉट लेंस, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लेंस आ जाते हुए गलत हो जाएगा, अवतल दर्पण, क्योंकि दर्पण ही पूछ रहे हैं। ओके चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, संकेत व आवाक को जानने और उस पर जावक क्रिया द्वारा प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया तीव्रता से पूर्ण की जाती है, ऐसा सुझाव किसने दिया था। देखिए काफ़ी शब्दों का हेराफेरी कर दिया है, लेकिन इसका ये पूछ क्या रहा है, सुई हमारे बॉडी में कहीं लग जाती है तुरंत एक्शन होता है ना, तुरंत पता चलता है कहीं यहाँ पे सुई मतलब चुभ गई है, तो वो है ये प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं इसका, रिफ्लेक्स एक्शन, ऑप्शन नंबर ए जो है रिफ्लेक्स एक्शन वही होता है, या फिर किसी गर्म या ठंडे जगह पे आपका हाथ चला गया तो तुरंत हट जाएगा वहाँ से, बिना दिमाग को पता चले, इससे पहले कि दिमाग एक्ट करे उसका पहले हाथ ही हम करेक्ट करता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन होती है इसको बोलते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 28 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 27 था, ये क्वेश्चन नंबर 28 है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं सॉलिड CO2 है, सॉलिड CO2, ये शुष्क बर्फ का सूत्र होता है, शुष्क बर्फ भी इसको बोलते हैं, ड्राई आइस। ओके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर
नाइन, इससे पहले बताऊँ हीरा, हीरा क्या होता है, कार्बन का ही प्रतिरूप है। पारा, पारा एच जी इसका लैटिन नाम है, धातु मेटल्स बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 होगा, आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या। देखिए कितना सरल क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में। फेराडे में क्या मेजर करते हैं, वोल्ट्स में, अर्ग में। ये सारी चीज़ें आप कॉमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 के निम्नलिखित में से वह धातु जो ऊष्मा की सुचालक है, ऑप्शन है चांदी, सीसा, पारा या फिर जस्ता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, चांदी। चांदी ऊष्मा की सुचालक होती है, पारा लिक्विड स्टेट में रहता है, सेमी लिक्विड, शीशा और जस्ता कुचालक हैं ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में सुमन की बीरी को निम्न में से किस आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। ये अब शुरू होता है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स के, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने में। और इसमें एटलीस्ट आपको 100 में से टोटल जो पेट का पेपर होता है 100 मार्क्स का, उसमें से 90 अब अभी लाना है, तभी ये एक अच्छे स्कोर कहा जाएगा। क्योंकि अभी जस्ट उस महीने पहले सप्लाई इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी आई थी, उसमें से 86 कट ऑफ गया था, जिसका 86-87 था उन्हीं को इस एग्ज़ाम में प्रीप किया गया था, एग्ज़ाम देने के लिए परमिशन मिली थी। तो देखिए कितना कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, इसलिए आपका टारगेट होना चाहिए 90+, 90 नहीं तो 85 से 90 के बीच में लाना ही लाना है, तभी एक अच्छे स्कोर हम मानेंगे इसको। एनीवेज चलिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, हाल ही में सोन की वेरी को निम्न में से किस आयोग का चेयरमैन बनाया गया। तो ये आ जाएगा, ये आपका नीति आयोग के ये चेयरमैन बने हैं, बने हैं, ये ध्यान रखिए, सुमन एक मेल का नाम है, ना कि फीमेल का नाम। ओके, एक क्वेश्चन नंबर 52 है, वर्ष 2022 में इंटरनेशनल डेयरी फाउंडेशन IDF निम्न में से किस देश में वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 आयोजित करेगा। तो ये चूँकि ये इंडिया में हो रहा है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हो रहा है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर के कौन से प्रकाश वर्ष के अवसर पर लाल किले से एक स्मृति टिक्का और डाक टिकट जारी किया था। ऑप्शन से 350 में, 400 में, या 450 या 250। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 400 में। एक चीज़ देखिए, ये गुरु तेग बहादुर जो थे सिखों के नौवें गुरु थे, उनकी हत्या किसने करवाई थी, औरंगजेब ने। ये चीज़ पूछता है कभी कभी, ये याद रखिएगा, औरंगजेब तो था, इसने इनकी हत्या करवा दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 हो गया, 54 है, वर्ष 2022 में इनविक्टस गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। आपको बताना है इनविक्टस जो गेम्स हैं 2022 का, वो कहाँ पे होने वाला था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड, जो हेग है, जो इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर भी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग, नीदरलैंड। इसको हॉलैंड के नाम भी जाना जाता, हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता था, अभी उसका कॉमनली नाम शिफ्ट हो गया, नीदरलैंड ही हो गया। यहाँ पे 2022 का इन्विक्टस गेम्स क्या होता है, जस्ट लाइक अ पैरा ओलंपिक्स होता है ना, जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए होता है, वही लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से कौन सा शहर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा। काफ़ी गर्व की बात है, हमारे देश में है ये, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मुंबई, जो 2022 का अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन होने वाला है मुंबई में होगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 है, हाल ही में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम की 6वीं वर्षगांठ बनाई गई, इस योजना का केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया था। इस योजना को लॉन्च किया गया था, ये देखिए योजनाएँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, अभी लेकर आपका एग्ज़ाम हुआ था, कितनी सारी योजनाएँ आई थी, तो इस हिसाब से योजनाओं को भी फोकस रखना है, योजनाओं पे भी, इसलिए चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2016 में ई नाम मतलब क्या होता है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये किस लिए था, जितने भी किसान थे, जितने भी कृषि मंडी थी, उनको आपस में ऑनलाइन कनेक्ट करने का एक पहल थी, जो सफल रही ना रही वो चर्चा का विषय है फिलहाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 57 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रेट डेटा केंद्र स्थापित करने के उद्देश्य से निक्सी CSC डेटा सेवा केंद्र के साथ एक समझौता मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का पे हस्ताक्षर। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना, ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा या दिल्ली। इसका
अगर आपने पढ़ा है, करंट अफेयर अच्छे से कवर कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा ने ये किया था। वैसे त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। ये भी ध्यान में रखनी है आप। चलिए बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 है, केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत देश में कितने शहरों को विकसित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है 100, 150, 180 या 200। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 100। इसमें से यूपी के कितने हैं टोटल? 10। ये भी पता होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 59, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ई डार्क पोर्टल, डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट पोर्टल, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा विकसित की गई? आपके ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, सड़क व परिवहन मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर सूचना व प्रसारण मंत्रालय। अगर आप ई डार का फुल फॉर्म देखेंगे तो इसमें एक चीज़ मेंशन किया गया है, इसको पकड़ लिया एक्सीडेंट। इस चीज़ को अगर आपने पकड़ लिया ना, तो आप इसलिए टिक मार दोगे, गेस कर लोगे। एक्सीडेंट कहाँ पर होता है? रोड पर होता है, ऑब्वियसली बात है। क्वेश्चन नंबर बी, सड़क व परिवहन मंत्रालय, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भारत के मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के लिए $47 मिलियन की कार्यक्रम को मंजूरी दी है? करेंट का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक ने ऐसा किया है, न्यूज़ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है, निम्नलिखित में से किस देश की अधिकृत ऑथराइज्ड लैंग्वेज है? तो हमको पाकिस्तान की उर्दू होगी, नेपाल की हो नहीं सकती दरी, बांग्लादेश की भी उर्दू से संबंधित होगी, अफगानिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दरी भाषा जो फारस के आसपास कौन है? फारस मतलब पहले ज़माने में जो ईरान था, ईरान का जो पोर्शन था ईरान के आसपास, उनको फारस बोला जाता था। ईरान के पास में अगर वर्ल्ड मैप आपको पता है तो देखिए, राइट साइड में कौन सा है? अफगानिस्तान ही तो है ईरान के, तो अफगानिस्तान इसका करेक्ट आंसर। आप गेस कर सकते हो ईजिली, अगर आप अच्छे से कवर करते हो, अच्छे से आप पढ़ाई करते हो तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62, भारत में पहली बार GSLV का प्रयोग कब हुआ था? GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, ये क्या होता है? ये जितने भी हमारे सैटेलाइट्स होते हैं, इनसेट 2B या फिर जितने भी हैं, उनको एक जगह से दूसरे जगह जो लॉन्च किया जाता है, आप यहाँ तो जाएंगे नहीं, उनको इस व्हीकल पे रख के फायर किया जाता है। जैसे GSLV वैसे PSLV होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये पूछ रहा है पहली बार GSLV का यूज़ इंडिया में कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2001 में GSLV का यूज़ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय मूल के VS शिवा अय्या दुरई किसके आविष्कार से जुड़े हैं? आपको बता, आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ईमेल, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी कीबोर्ड या फिर ऑप्शन डी माउस। आपको इसमें से बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ईमेल की खोज की थी, ईमेल की अवधारणा इन्हीं की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, बहुत किस देश की मुद्रा है? तो मुद्राएं भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पे। मुद्रा कहाँ की है? ये बहत हो जाएगी, ये थाईलैंड की मुद्रा है। आपको तजाकिस्तान, टोगो और तंजानिया की मुद्राएं बतानी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप बता दीजिएगा, थोड़ा गूगल कर लीजिए, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र, आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन बी मोज़ेक, ऑप्शन सी ओपेरा या फिर ऑप्शन डी नेटस्केप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा www। ये URL नहीं है, URL क्या होता है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, www लगाते हैं ना, .something URL होता है, लेकिन इसका वर्ल्ड वाइड वेब, ये एक दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र हुआ करता था। तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 66, अनंत पाई द्वारा शुरू की गई भारत की प्रसिद्ध हास्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है? अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, जो अमर चित्र कथा की सीरीज आती थी इन्हीं की है, जो कॉमिक्स की सीरीज है अमर चित्र कथा, अनंत पाई जी की है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनंत चित्र कथा। क्वेश्चन नंबर 67, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए 4 फरवरी को। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, PCB का पूर्ण रूप क्या है? PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको बताना है भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरने के उपरांत उनको भारत रत्न प्राप्त दिया गया था। तो कौन से ऑप्शन है, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, पी वी नरसिंहा राव या फिर आई के गुजराल। इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव गांधी। हालांकि इसके पहले लाल बहादुर शास्त्री को भी ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया था। सबसे पहले इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, 1954 में, और सबसे पहले तीन लोगों को मिला था। किसको सबसे पहले मिला था क्या आप बता सकते हो, सी राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी वी रमन 1954 में। ओके चलिए अब लास्ट, अपने आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। ये क्या बोल रहा है, आधुनिक लॉन टेनिस खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इसको, लॉन टेनिस। पहले देखिए टेनिस शब्द आता है, देखिए टेनिस से संबंधित आज सबसे फेमस चार ग्रैंड स्लैम होते हैं, आपको बताया हर साल ग्रैंड स्लैम होता है। कौन सा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ओपन के नाम से बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ये सारे चार फ्रेंच ओपन्स होते हैं, ये ग्रैंड स्लैम। फिलहाल क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा, आधुनिक लॉन टेनिस खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ये बता दूँ मैं आपको, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बर्मिंगम कहाँ पे है, ये इंग्लैंड में है, ब्रिटेन में। और आपको जो ग्रैंड स्लैम हुआ है 2022 का जो ग्रैंड स्लैम हुआ है, जिसमें से तीन हो चुके हैं, कौन सा, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन, ये तीनों हो चुके हैं। पहले और दूसरे में चलिए आपको बताना है, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन और ये फ्रेंच ओपन हुआ है, इसके विनर कौन से, मेल और फीमेल दोनों आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। साथ ही आपकी टोटल 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी मेंशन करना है, ताकि हमको पता चल सके कि आपकी तैयारी किस लेवल तक है। ओके दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो प्रैक्टिस सेशन नंबर 3 होगा वो कल कराया जाएगा। चलिए फिर, सो मिलते हैं। ओके, जय हिंद।